सुई में धागा डालना सबसे बड़ा काम, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी निगाह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। पर इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 तरीके मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर के हुए जल्दी से अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और मेरे चैनल पर आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। सबसे पहले तरीके में ले लेना है आपको एक नेल पेंट, किसी भी कलर का ले लीजिए। और हम इसका यूज़ धागा डालने के लिए करने वाले हैं। तो एक छोर हम उठाएंगे और उस पर नेल पेंट लगा देंगे और थोड़ा सा इसको सुखा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस पर नेल पेंट लगा दिया है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ से इसको इस तरह से घुमा देंगे जिससे जो एक्स्ट्रा नेल पेंट इसमें लगा है वो छूट जाएगा और बिल्कुल थोड़ा सा नेल पेंट इसके ऊपर लगा रह जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। थोड़ी देर के बाद देखेंगे आपकी ये धागा आगे से थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। अब आप इसे अपने सुई के अंदर बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। तो मैंने नेल पेंट को हाथों से मसल दिया था ना, तो ये हल्का सा सॉफ्ट है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल सख्त रहे ये धागा, तो जो नेल पेंट है आप उसको हल्का सा सूख जाने दीजिए। बस 1-2 मिनट का ही टाइम लगेगा उसे सूखते हुए, तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा और आप आराम से धागा सुई के अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हमें ले लेना है एक पेस्ट, कोई भी पेस्ट ले सकते हैं आप। और थोड़ा सा पेस्ट हम इस तरह से उंगली पे लगाएंगे और जो हमारा धागा है ना उसको इसी तरह जैसे हमने नेल पेंट लगाया था ना इसके आगे वाले सिरे पे, उसी तरह से हम इस पेस्ट को आगे वाले सिरे पे लगा देंगे। इसको लगाने के बाद बस थोड़ी सी देर उसे सूखने के लिए छोड़ देना है। 1-2 सेकंड के बाद आप देखेंगे जो हमने पेस्ट इसमें लगाया है वो अच्छे से सूख जाएगा और जो हमारा आगे का धागा है वो सख्त हो जाएगा। जैसे हमने नेल पेंट का यूज़ किया था ना, सेम उसी तरह से। और आप आसानी से धागा सुई के अंदर डाल सकते हैं। आई होप ये दूसरा तरीका भी आपको पसंद आया हो। तो चलिए देखते हैं अपना तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में आप कोई भी पुराना अपना टूथब्रश ले सकते हैं। उसके दांत थोड़े से फैले हुए होने चाहिए और हम क्या करेंगे, जो धागा है हमारा इसको इस तरह से इस ब्रश के ऊपर डाल देंगे। तो थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ जिससे आप अच्छे से ये चीज़ देख पाएँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने धागे को फंसा दिया है और इस तरह से आप जब नीचे करेंगे तो बहुत ही ईजिली ये धागा पड़ जाएगा। अब हम इसको खींच लेंगे। देखिए, हमारा धागा यहाँ पे पड़ चुका है। बहुत ही आसानी से आप इस तरह से भी सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं। आई होप ये तरीका भी आपको पसंद आया हो। तो चलिए देखते हैं अपना अगला तरीका। सुई में धागा डालने का सबसे आसान तरीका देखिए ये है। ये मार्केट में आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। किसी भी आप दुकान पे चले जाइए, जहाँ भी सिलाई मशीन वगैरह बिकती हो, आप उनसे ये मांगेंगे ना तो बहुत ही आराम से वो आपको ये दे देगा। ये सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है। ये देखिए कितने अच्छे से सुई के अंदर धागा पड़ गया है और हमें बिल्कुल कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ज़रूर से ख़रीद लीजिएगा अगर आप सिलाई का काम करते हैं या फिर सुई में धागा तो देखिए सबके घर डालना होता है। तो आई होप ये तरीका भी आपको पसंद आया हो। और ये देखिए एक तरीका मैं और आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से कोई भी आपके घर अगर पुरानी झाड़ू हो, जो प्लास्टिक की झाड़ू आती है ना, वही मैंने ली है और उसमें से हमें इसका एक बाल तोड़ लेना है झाड़ू का। ये तरीका भी ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही ईजिली आप इससे धागा डाल सकते हैं और बिना किसी पैसे के खर्च के। तो देखिए यहाँ मैंने इसका एक बाल तोड़ लिया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं इसका यूज़ कैसे कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक ढक्कन ले लिया है और इसको इस तरह से हम कट कर देंगे। आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कट कर देना है और कट करने के बाद जो हमने झाड़ू का बाल लिया था उसको ये देखिए इस तरह से हम मुड़ा लेंगे। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से हमें मुड़ा लेना है। तो आप इसको लंबा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उस हिसाब से आप देख लीजिएगा और उसको कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ कट कर दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और इस तरह से हम इसमें फंसा देंगे। ये देखिए आपको अभी अच्छे से दिखाई देगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें फंसा देना है, ठीक है। और अभी मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ना टेप कट कर लिया है और उसको इस तरह से हम लगा देंगे जिससे ये एकदम पक्का हो जाए, चिपक जाए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है। अब ये कहीं भी हिलने वाला नहीं है। और चलिए देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कि सुई में धागा किस तरह से डालना है।
तो देखिए सुई को मैंने डाल दिया है इस बाल के अंदर और अब हम धागे को इसके अंदर फंसाएंगे, मतलब ये जो जगह आप खाली देख रहे हैं ना, तो इस पे हम डालेंगे और धागे को खींच लेंगे और इसके बाद जो हमारी सुई है इसको इस तरह से आपको निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल दिया, बहुत ईजिली आप धागा इससे डाल पाएंगे और इसके लिए आपको कोई भी मार्केट में कुछ भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ढक्कन ले लीजिए और एक प्लास्टिक का बाल चाहिए, चाहे आप किसी डॉल अगर आपके घर पे हो तो उसका भी बाल ले सकते हैं, या कोई साड़ी वगैरह में पीको वगैरह करते हैं ना तो वो पतला सा जो धागा होता है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगे, मतलब पतला कोई प्लास्टिक का धागा होना चाहिए। तो आई होप ये तरीका भी आपको पसंद आया हो। तो चलिए एक तरीका और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेप लिया है और टेप को थोड़ा सा हम कट कर लेंगे और ये तरीका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा टेप कट कर लिया है और जो इसका सिरा है यानी छोर, उसको हम इस टेप के ऊपर रखेंगे और टेप को पलट देंगे। ये देखिए हमें इस धागे को टेप के अंदर चिपका देना है। तो ये देखिए मैं इसको चिपका देती हूँ और अब हम क्या करेंगे, किसी भी सीजर की सहायता से इसको बिल्कुल जो हमारा धागा चिपका है ना बस उतना ही कट करना है, इससे इसकी एक ना नोक बन जाएगी। तो ये देखिए मैं आपको अभी पास से भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है और इसकी एक नोक बन गई है। अब बस इस तरह से थोड़ा सा मसल देंगे और उठाएंगे अपनी सुई और धागे को सुई के अंदर डाल देंगे। तो थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा रही हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाए। ये देखिए कितने आसानी से धागा पड़ गया है। तो आई होप ये तरीका भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इन सारे तरीकों में से कौन सा तरीका आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही आपकी मेरी फिर से मुलाकात होगी ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए वरदान पकवान से, सबसे सीधा सबसे सरल।